नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुपिया। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार को वार्ताकार शाहीन बाग पहुंचे। वार्ताकारों ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा पढ़ा और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से सुलह के फॉर्मूले पर बातचीत की। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चाहे हम पर गोली चलाई जाए लेकिन हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। निर्भया केस में दोषी रहे विनय के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। ऐसे में विनय ने तिहाड़ जेल में खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आरोपी मामूली रूप से हुआ घायल। बता दें आगामी दिनों में हो सकती है चारों दोषियों को फांसी। तमिलनाडु में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस लॉरी की जोरदार टक्कर से 20 लोगों की हुई मौत। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 14 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले भारत ने बड़ी डील को दी मंजूरी। नौसेना के लिए मल्टीरोल हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। बता दें डील करीब 2 अरब डॉलर की होगी। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 के सेट पर हुआ भयानक हादसा। 3 लोगों की हुई मौत और 9 लोग हुए घायल। बुधवार को फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रेन के गिरने से हुआ यह हादसा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा कल से। बता दें दोनों ही टीमें फॉर्म में हैं और दोनों ही एक दूसरे को T20 और वनडे में क्लीन स्वीप दे चुकी हैं। गुरुवार को शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिली। सेंसेक्स 30 अंक तक लुढ़क कर 41,300 अंक के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी भी 10 अंक तक टूट कर 12,120 अंक पर खुला। सुपर सेवन खबरों में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए जेएसआर टाइम्स।